नमस्कार सभी का स्वागत आज का विषय बेहद अद्भुत और विशेष और वो है हमारी हथेली पर अरपति रेखा का होना जो हमें इशारा देती है कि जातक के पास संभावना है प्रतिभा है और पति बनने की खासकर व्यवसाय के क्षेत्र में ये कैसे होता है आइए करते हैं विश्लेषण देखिए ये हमारा बुद्ध पर्वत मान लीजिए ये हमारा बुद्ध पर्वत वेल डेवलप्ड तो जो उंगली लिटिल फिंगर ये भी लंबी होगी मतलब सूर्य उंगली का जो टॉप फलेंज है उसका जो ये बेस है इस तक पहुंच जाए या इसके ऊपर निकल जाए थोड़ा तो मरकरी वेल डेवलप्ड ऐसे वेल डेवलप्ड मरकरी पर यदि एक रेखा निकले कहाँ से हृदय रेखा से और सीधा खड़ी होकर कनिष्ठा लिटिल फिंगर के मूल तक पहुँचे मूल सनि तक पहुँचे तो यह अद्भुत रेखा है यह दर्शाती है कि जातक के पास अपार संभावना है खास प्रतिभा है व्यवसाय कौशल है और यदि उसे और फैक्टर्स का सहारा मिला तो वह चमत्कार कर सकता है व्यवसाय के क्षेत्र में बेहद सफल साबित हो सकता है वह एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है अरबपति खरबपति इतनी शानदार रेखा है ये लेकिन इसको समझने में अक्सर भूल होती है कई बार एक रेखा होती है वह भी हृदय रेखा से निकलती है बुद्ध पर्वत पर लेकिन थोड़ा ऊपर तक जाती है मध्य तक यह इशारा कर रही है कि जातक को अचानक धन प्राप्ति होगी व्यवसाय में हो कला में हो कहीं भी किसी क्षेत्र में हो चाहे साहित्य में हो आदमी को अचानक सफलता मिलेगी उसको धन प्राप्ति होगी लेकिन जो आपकी दूसरी रेखा है ना, जो हृदय रेखा से निकलकर लिटिल फिंगर के मूल तक पहुंच रही है वो खास है वो है अरबपति खरपति बनाने वाली रेखा पहले भ्रांति दूर करनी है कि अचानक धन प्राप्ति की रेखा अलग है और ये शानदार व्यवसायिक कौशल की रेखा अलग अरबपति रेखा अलग पहली शर्त दूसरी शर्त कि अक्सर जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है और बुद्ध क्षेत्र तक जाती है जिसको हम बोल देते हैं बुद्ध तक पहुँचे बुद्धि रेखा बुद्धि रेखा मतलब जा तक बुद्धिमान है या व्यवसाय रेखा जा तक बिजनेस करेगा सफल होगा या स्वास्थ्य रेखा जहाँ तक का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस रेखा से देखा जाता है कई बार इस रूट पर ना वासना रेखा भी दिखाई पड़ती है यहाँ पर बहुत भ्रांतियाँ होती हैं कोई रेखा ना हो तो और भी अच्छा है तो यहाँ से इस बात को हटा दो इस संभावना को अलग बिल्कुल ख़त्म कर दो कि हमारे पास कोई रेखा ही नहीं है यहाँ पर इस रूट पर मतलब जीवन रेखा से ऑफशूट निकला और बुद्ध पर्वत तक गया ऐसी कोई संभावना है ही नहीं अब कोई स्वास्थ्य रेखा नहीं कोई वास्ता रेखा नहीं कोई बुद्धि रेखा नहीं बस ये रेखा हृदय रेखा से निकली और लिटिल फिंगर के मूल तक पहुंची ये आपको शानदार व्यवसायिक कौशल देती है यदि इस रेखा को थोड़ा सहयोग मिल जाए किसका मान लीजिए ये हमारा अपोलो ये सूर्य की उंगली नीचे अपोलो अपोलो अच्छा हो और उसके ऊपर एक अच्छी सनलाइन हो तो सोने पे सुहागा और साथ में ये हमारा शनि फ्लैट शुभ और ऐसे भाग्य रेखाएं मिल जाए स्पष्ट जो पौजी शनि पर्वत तक बस कम से कम दो का साथ मिल जाए तो जातक अति संपन्न बनेगा एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा कर सकता है उसका भाग्य भी साथ दे रहा है उसका सफलता भी साथ दे रही है खूब नाम कमाएगा खूब सफलता खूब संपन्नता खूब धन जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी अरब हो सकता है खरबपति हो सकता है कुछ ख़ास प्रतिपा तो ज़रूर है ये आशा करता हूँ कि आपको ये रेखा समझ आ गई होगी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू